हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप बैकग्राउंड देखकर तो समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ इस समय। आप सही समझे, मैं किचन में ही हूँ। तो शाम हो गई है तो सोच रही हूँ कि मैं कुछ स्नैक्स बना लूँ। तो कई दिनों से मेरे पास ये ढोकले का खमन ढोकला इंस्टेंट मिक्स, ये तो वर्षा कंपनी का है, तो ये रखा हुआ था। तो सोचा फटाफट यही बन सकता है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो ये तो हमेशा ढोकले के सांचे में या फिर अपन कुकर में ही बनाते हैं, बट मैं आज आपको माइक्रोवेव में बनाकर बताऊंगी, इसमें बनाकर बताऊंगी। पीछे वैसे सारे स्टेप लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ करके भी इजी वे पे बना सकते हैं, बट इसमें माइक्रोवेव में कैसे बनाना वो इसमें नहीं दिया है। तो इसमें जो सामग्री दी हुई है वो मैंने ले ली है। स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ उसको कैसे घोल तैयार करना है और फिर माइक्रोवेव में इसको कैसे बनाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है शुगर पाउडर, साल्ट, साइट्रिक एसिड, ये सब इसमें पड़ा हुआ है, इसलिए हमें ऊपर से नमक और शक्कर ऐड नहीं करना है। तो इसको हम इसमें पलट लेते हैं। 650 ml वाटर ले लिया, 4 tablespoons या 80 ml ऑयल ले लिया, कुकिंग ऑयल, और ये अपने को तड़का लगाने के लिए मीठी नीम, हरी मिर्च इसे काट लिया पीस से, और ये है राई और ये है धनिया पत्ती। सबसे पहले इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालेंगे, पहले इसका घोल रेडी कर लेंगे। इसमें ये ऑयल डाल देंगे, ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा घोल रेडी हो गया। घोल जो हमने रेडी किया उसको इसमें डालेंगे। तो इसमें डालने से पहले इसको अच्छे से ऑयल से हम ग्रीसिंग कर लेंगे। इसको चारों तरफ ऐसे ऊपर इसके दीवार में भी अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे ऑयल से। पूरे मिक्सर को इसमें पलट दिए, अब इसको हम माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव स्टार्ट कर लेते हैं। 30 सेकंड के लिए हमने इसको पहले गर्म कर लिया, अब इसमें हम इस मिक्सर को रख देंगे। माइक्रोवेव हमारा अब गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये ढोकले के मिक्सचर को रख देते हैं। 5 मिनट के लिए इसको सेट कर देते हैं। पहले हम 5 मिनट्स के लिए इसको सेट कर देते हैं, फिर इसको निकाल के देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो और चला देंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए सेट करके स्टार्ट कर देते हैं। आप देख रहे होंगे अंदर ये अपना ढोकला फूलने लगा है, ये ठंडा हो चला है। इसको चारों तरफ से नाइफ से निकाल लेंगे, चाकू से किनारे किनारे कट कर लिया। अब एक प्लेट लेकर के इसमें पलट देंगे। इसको कट कर लेंगे। तड़का लगाने के लिए गैस के ऊपर फ्राई पैन चढ़ा दिया और उसमें ऑयल डाल दिया। फ्राई पैन गर्म हो गया, सबसे पहले राई डालेंगे।
गैस को धीमा कर लेंगे जिससे हरी मिर्च नहीं जले। फिर हरी मिर्च डाल देंगे, मीठी नींद डाल देंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। इसको ढाँक देंगे, थोड़ा देर इसको उबलने देंगे, गैस थोड़ा धीमा करके इसको उबलने देंगे। ये पानी हो गया, उसको ये चमचे की हेल्प से इसमें चारों तरफ फैला देंगे। धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमारे ढोकले रेडी हो गए हैं, कितने फ्लफी और कितने अच्छे बने हैं। तो आप इनको ग्रीन चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ ले सकते हैं। बहुत अच्छा स्नैक्स है इवनिंग के लिए या फिर मॉर्निंग के लिए या हाई टी के लिए, आपकी किटी पार्टी वगैरह हो उसके लिए बहुत जल्दी ये फटाफट बन जाते हैं। तो आप ऐसा ये इंस्टेंट तुरंत बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी जरूर बताइएगा, और मैं इसी तरह की आगे टेस्टी टेस्टी रेसिपी लाती रहूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा।